वेलकम बैक टू माई चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे आज मैं आप सबके सामने आकर बैठ गई हूँ, बालों को समेट कर एक मैंने पीछे बन बनाया हुआ है, तो आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा कि लाजमी आज मैं आपको किसी स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ और उसको अपनी स्किन पर अप्लाई करके आपको दिखाने भी वाली हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही कोई ऐसा मास्क बताएं जिससे हमारा मेलास्मा भी थोड़ा लाइटन हो जाए, जिससे पिगमेंटेशन लाइटन हो जाए, रिंकल्स को भी थोड़ा रेस्ट आ जाए, क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने शुरू हो जाती है और आप जितना भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें रिंकल्स प्रोमिनेंट होते ही होते हैं, स्किन पर ग्लो भी आ जाए। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप सबसे अपना एक सीक्रेट मास्क शेयर करती हूँ। ग्लास स्किन के बारे में तो आप सबने सुना ही है और हर औरत का, हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसको भी ग्लास स्किन मिल जाए, लेकिन ग्लास स्किन हासिल करना 3 से 4 दिन का काम नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी पड़ती है जिसमें कुछ होम रेमेडीज शामिल हैं। होम रेमेडीज में कुछ ऐसे मास्क हैं, कुछ ऐसी क्रीम्स हैं, सिरम्स हैं, वो प्रॉपर आपको फॉलो करनी पड़ती है कम अज कम 5 से 6 माह तक, तब जाकर आपको ग्लास स्किन अचीव होती है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कोरियन ग्लास स्किन मास्क, और ये मास्क कोरियंस का एक स्पेशल मास्क है और इसका मेन इंग्रेडिएंट राइस है। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, क्योंकि कोरियंस और जापानीज की जो ब्यूटी सीक्रेट है वो है जी राइस। अब वो राइस को मल्टीपल तरीकों से इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन केयर के लिए। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे मार्केट में भी इस तरह के प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसमें राइस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वजह यही है कि राइस हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन राइस को यूज़ करने से रिजल्ट्स हमें तब मिलते हैं जब हम राइस को सही पैटर्न पर अपनी स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। ये हमारी स्किन पर ग्लो लेकर आता है, ये हमारी स्किन को एजिंग से बचाता है, हमारी पिगमेंटेशन को लाइटन करता है, स्किन का टेक्सचर अच्छा करता है। राइस बेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट से बाय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके अपने घर में राइस मौजूद है, आपके अपने किचन में है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने उसको अपनी स्किन के लिए कारामद बनाना है। मैं पिछले 3 महीने से एक राइस बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, बट लिटरली मुझे तो बिल्कुल यूजलेस लगा। मतलब एक आम फेस वॉश में और एक राइस बेस्ड फेस वॉश में जो मार्केट का बना हुआ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि जब आपके अपने घर में राइस मौजूद हैं तो आप घर में मौजूद राइस से डिफरेंट किस्म के मास्क और क्रीम्स बनाना सीखें और उनको अपनी स्किन पर अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। इस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़े से चावल, क्योंकि हमें सिर्फ 1 वीक का मास्क बनाकर स्टोर करना है। राइस ले लें, राइस को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद थोड़े से पानी में उसको बॉयल होने के लिए रख दें, और हमने राइस को सिर्फ इतना बॉयल करना है कि राइस अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएँ और उनमें थोड़ा सा पानी भी रह जाए। अब इसके बाद इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। चावलों में हमने पानी थोड़ा सा इसीलिए छोड़ा है ताकि उसको ग्राइंड करने में आसानी रहे। अगर आप इसको बिल्कुल हार्ड बॉईल कर लेंगे और उसमें पानी नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपको ग्राइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखें जी, ग्राइंड करने के बाद ये कितनी सॉफ्ट स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो गई है। आप इसको राइस क्रीम भी बोल सकते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा। मैंने अपने घर में एलोवेरा प्लांट लगाया हुआ है, यहाँ से मैं फ्रेश एलोवेरा ले लेती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है। अच्छा, एलोवेरा लीफ को जब भी आप काटते हैं तो उसमें येलो से कलर का एक लिक्विड होता है, उसको आपने अवॉइड करना है क्योंकि वो स्किन पर इरिटेशन पैदा करता है। आपने एलोवेरा जेल लेने के लिए एलोवेरा लीफ के दोनों कॉर्नर्स काट लेने हैं और दरमियान में से फ्रेश जेल ले लेना है। हमें बिल्कुल थोड़ी सी जेल चाहिए, और या तो इस जेल को आप ग्राइंड कर लें ताकि एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए, नहीं तो फोक की मदद से हल्का हल्का क्रश कर लें। शीशे की प्याली मैंने ले ली है और अब इसमें मैं 2 स्पून इस राइस क्रीम के डाल दूंगी। ये हो गया 1 स्पून और ये हो गया 2 स्पून। अब इसमें जो मैंने अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज करना है वो है जी आमंड ऑयल। अब आमंड ऑयल आपने किसी पंसारी की शॉप से नहीं लेना, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है कि पता नहीं इसमें क्या डाला हुआ है क्या नहीं, क्योंकि पंसारी वगैरह जो होते हैं वो एसेंस डाल देते हैं, जेन्युइन ऑयल वो नहीं होता। तो मरहबा का, करशी का, हमदर्द का आमंड ऑयल आप ले लें। मैं ये मरहबा का आमंड ऑयल है, और ये आमंड ऑयल लेकर आपने इसमें सिर्फ 4 कतरे, ये देखें, ये तकरीबन 4 कतरे मैंने इसमें आमंड ऑयल के डाल दिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा, जो कि मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है, मैंने आपको तरीका भी बताया है। आप कोशिश करें कि थोड़ा सा एलोवेरा लेकर उसको ग्राइंड कर लें ताकि एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। मैंने ग्राइंड नहीं किया, जस्ट फोक से इसको ऐसे ही मैंने क्रश कर लिया है। और अब ये जो एलोवेरा जेल है ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी।
बिल्कुल थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालना है, ज्यादा नहीं डालना, को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एलोवेरा अच्छी तरह से क्रश नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं इसको राइस क्रीम में मिक्स करूंगी तो ये बहुत अच्छे तरीके से राइस क्रीम के साथ मिक्स हो जाएगा और एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। ये बहुत ही एक स्मूथ सी फाइन सी पेस्ट बन गई है जो आपको लगाने में भी आसान रहेगी। अच्छा, ये जो फेस मास्क है ये आप हफ्ते में 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि आप 1 वीक का बनाकर फ्रिज में रख दें, लेकिन आपने फ्रिज से निकालकर ठंडा ठंडा नहीं लगाना, उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देना है और उसके बाद फिर आपने अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। अब ये जो मास्क है ना, ये मेरी गारंटी है कि ये आपकी स्किन को रिंकल से भी बचाएगा पूरी सर्दी, ये आपकी स्किन पर ग्लो भी लेकर आएगा, ये आपकी स्किन टेक्सचर को भी अच्छा करेगा और आपकी स्किन को ब्राइटन भी करेगा। चलें अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। कोरियन क्लास स्किन फेस मास्क सबके लिए है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन, हर कोई इसको आराम से अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मार्केट का बना हुआ जो एलोवेरा जेल होता है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चलें जी अब इसको स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं। ये जो मास्क है ये आपने अपने लिप्स पर भी अप्लाई करना है, जिनके लिप्स बहुत ज्यादा खुरदरे और ब्लैक से हो जाते हैं ना, उसके लिए भी ये मास्क बहुत अच्छा है। तो जब भी आप इसको अप्लाई करें आप अपने लिप्स पर भी जरूर अप्लाई करें और आपने इसको अपनी नेक पर भी जरूर अप्लाई करना है। मुझे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं और बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप ही ये क्रीम इस्तेमाल करें, वो क्रीम इस्तेमाल करें। भाई मैंने दुनिया जहान की सारी क्रीम्स रोल ऑन्स यूज करके देख ली हैं, ये मुझे जेनेटिक इशू है तो मेरे डार्क सर्कल्स नहीं खत्म होते। तो जब भी मैं ये फेस मास्क अप्लाई करती हूँ तो मैं अपने डार्क सर्कल्स पर भी जरूर अप्लाई करती हूँ। अच्छा, बहुत सारे फेस मास्क ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको आई एरिया में अप्लाई करते हैं तो वो आईज में इरिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, बट दिस इज द सेफेस्ट मास्क जो आपको आई एरिया में किसी किस्म की इरिटेशन नहीं होने देगा। सो आपका जो डार्क सर्कल्स का एरिया है उसमें इसको जरूर अप्लाई करें, साथ के साथ अपनी आईलिड्स पर भी इसको जरूर अप्लाई करें, जैसे कि अभी मैं आपके सामने लगा रही हूँ। ठीक है, ओके जी, अब हमने इस फेस मास्क को अप्लाई कर लिया है और अब इसको कम से कम 30 मिनट्स के लिए आपने फेस पर लगा रहने देना है। 30 मिनट्स का टाइम पास करना कोई मुश्किल नहीं है, टीवी ऑन कर लें, मोबाइल पर कुछ ना कुछ लगा लें ताकि आपके 30 मिनट्स आराम से पास हो जाएं। कुछ लोगों को मास्क लगाने के बाद बड़ी जल्दी होती है कि बस जल्दी से इसको साफ करते हैं, तो जल्दी से साफ करने की ज़रूरत नहीं है, 30 मिनट्स इसको लगा रहने दें ताकि इस मास्क की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएँ। 35 मिनट्स हो चुके हैं तो मैंने सोचा कि मैं एक बोल में पानी ले आती हुई थी और मैंने इसमें स्पंज डाल दिया है। चलें अब इस मास्क को हम वॉश करते हैं। वैसे तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट जाकर इसको वॉश कर लें, फेस वॉश से वॉश नहीं करना, जस्ट आपने इसको वाटर के साथ वॉश करना है। शाइन देख रहे हैं, एक्चुअली मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, सो एक्स्ट्रा शाइन तो मैं अब आपको मारकर दिखा नहीं सकती। ये देखें, आप लोग सिर्फ शाइन चेक करें। शाइन मैं आके आपको करीब से चेक करवा देती हूँ। ये देखें जी, शाइन देखें, ग्लो देखें, जरा स्किन का टेक्सचर देखें। बहुत ज़बरदस्त मास्क है और इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं, मतलब इधर आप लगाएंगे उधर 30 मिनट्स के बाद उतारेंगे और आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर मैजिक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त है कि हफ्ते में 3 बार आपने इस मास्क को जरूर अप्लाई करना है। हफ्ते में कोई से 3 दिन फिक्स कर लें और उन 3 डेज पर कम अज कम 3 महीने के लिए आपने ये मास्क अप्लाई करना है और फिर अपने स्किन पर जादू देखना है। अब आप लोगों ने इस मास्क को अप्लाई करना है और फिर फीडबैक मुझे कमेंट्स में आकर देना है। बस यही मेरा आज का व्लॉग था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।